इज गाइस वेलकम बैक गाइस टू द चैनल। और ये वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आप एक गन कैसे ढूंढ सकते हो जो कि है बर्ल M762। सो मुझे पता नहीं पबजी वाले ने ऐसा क्यों किया है, बट ये जो गन है वो बेटा में भी आई थी और उसके बाद बेटा में से निकाल दी गई। और जब ऑफिशियल 0.9.0 रिलीज हुआ उसमें भी ये गन लाइक नहीं दिखाई गई थी, वो आर्मरी में भी नहीं थी। और ऑल्सो अगर आप ट्रेनिंग मोड में जाते हो जहाँ पे एवरी सिंगल वेपन अवेलेबल है वहाँ पे भी ये गन अवेलेबल नहीं है, बट अगर आप जाते हो इरेंजल मैप में तो आपको ये गन मिल जाती है। और मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको गन कैसे मिल सकती है, आप उसको कैसे ढूंढ सकते हो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो, और डेफिनेटली शेयर भी कर दीजिएगा गाइस आपके फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप नए हो इस चैनल पे सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना क्योंकि बहुत ही हेल्प करता है चैनल को ग्रो करने में। और मैं भी आपको अप टू डेट रखूंगा इस गेम के बारे में, कुछ भी अगर अपडेट आता है या फिर कुछ भी अगर न्यू चीज आती है। और सब्सक्राइब के साथ ही बाजू में एक बेल बटन होगा जो आप दबाओगे तो आपको एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा राइट अवे। सो सबसे पहले तो बात करते हैं गन आप कैसे ढूंढ सकते हो। सो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये गन सिर्फ इरेंजल मैप में मिलेगी, आपको ना ये सैनॉक में मिलेगी और ना ये मिरामार में मिलेगी। और डेफिनेटली ये गन गेम में है बट मुझे पता नहीं पबजी वालों ने ये क्यों लाइक यू नो बोलते हैं ना हिडन या फिर सीक्रेट ऐसे रखा है। बट ये गन नॉर्मली बिल्डिंग्स में स्पॉन नहीं होती है, चाहे वो कौन सी भी बिल्डिंग हो, आप पूरा मैप के हर एक बिल्डिंग भी ढूंढ लोगे तो भी आपको ये गन नहीं मिलेगी। आपको बस गन ये मिलेगी वो है बॉट्स को मारकर। सो ये गन सिर्फ एक ही क्रेट में मिलती है जो कि है बॉट्स की, और बॉट्स के पास ही ये गन होती है मुझे पता नहीं कैसे। बट अगर आपको ये गन चाहिए तो सबसे पहले तो आपको बॉट्स ढूंढने पड़ेंगे, और सबसे मेन चीज़ ये गन बहुत ही रेयर है। आई मीन लाइक एक राउंड में आप 2-3 फ्लेयर गन भी ढूंढ सकते हो बट ये गन मिलना लाइक बहुत ही रेयर है। और जैसे कि मैंने कहा ये बिल्डिंग में स्पॉन नहीं होती है, ये बस आपको बॉट्स के क्रेट में मिलेगी। सो इसीलिए ऑन टॉप ऑफ दैट और भी टफ हो जाता है इस गन को ढूंढने में। और आप इस वीडियो में भी देख सकते हो लाइक ये मेरी पहली मैच नहीं थी जो मैंने स्टार्ट की और मुझे गन मिल गई। इससे पहले भी लिटरली मैं लाइक 6-7 मैच खेल चुका हूँ और मुझे नहीं मिली थी गन, बट डेफिनेटली इस गेम में मिल गई। बहुत ही अच्छी गन है गाइस, डेफिनेटली अगर आपको मिलती है डेफिनेटली उठा लो बॉट के क्रेट में से और यूज करो क्योंकि बहुत ही पावरफुल गन है। लाइक ये AKM के ही तरह है बट AKM से यू नो कुछ प्लस पॉइंट्स है AKM से अगर कंपेयर किए तो। सो सबसे पहली बात तो है रेट ऑफ फायर बहुत ही अच्छा है। और दूसरी जो मेन चीज है वो है स्टेबिलिटी, बुलेट स्प्रेड है वो सब जगह पे नहीं है जैसे कि AKM का है अगर आप फुली मोड पे जाते हो। सो वो एक प्लस पॉइंट है, गन बहुत ही स्टेबल है कंपेयर टू AKM। और बस एक ही डाउन साइड है वो है डैमेज मॉडल की, आई मीन 5-6% हेल्थ यू नो कम डैमेज करता है ये गन जो कि बर्ल M762 है। सो डैमेज के मामले में AKM ऊपर है और बर्ल M762 नीचे है, बट जैसे कि मैंने कहा स्टेबिलिटी एंड रेट ऑफ फायर बर्ल M762 इज अ बीस्ट मैन। और जब आप ये गन यूज करते हो आपको खुद भी फील होता है कि आप लाइक एक पावरफुल असॉल्ट राइफल चला रहे हो। सो बहुत ही वर्थ है अगर आपको ये गन मिलती है किसी क्रेट में, डेफिनेटली उठा लो गाइस, लाइक सबको ये चांस नहीं मिलता है। लाइक मैं तो बहुत तरस रहा था ये गन ढूंढने में और फाइनली मुझे एक क्रेट में मिली। सो सबसे पहले तो आप इसे कैसे ढूंढ सकते हो मैंने तो बता दिया, आपको ये बिल्डिंग में नहीं मिलेगी। सबसे पहले जो चीज है वो है TPP या फिर FPP अगर आपके दिमाग में है। सो ये जो गन है वो आपको दोनों मोड में मिल सकती है, मैंने दोनों मोड में इसे चलाया था और ये जो है ये FPP है। सो TPP में भी मिलता है। और सेकंड जो चीज है जो आप कंफ्यूज होंगे वो है डे एंड नाइट साइकिल का। सो ऐसा कुछ नहीं है कि डे एंड नाइट साइकिल होगा तभी आपको ये गन मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये राउंड में भी देख सकते हो नीचे लाइक कुछ ऐसा डे एंड नाइट वाला लिखा नहीं है। सो आप नॉर्मल राउंड में भी आपको ये गन मिल सकती है बॉट के क्रेट में से। बट आपको रियली अगर ये गन ट्राई करनी है तो सबसे पहले तो चीज मैं आपको बताऊंगा वो है सर्वर चेंज की जगह। अगर आप एशिया में खेलते हो सो आपका रैंकिंग हाई होगा, अगर आपका रैंकिंग प्लेटिनम के ऊपर है सो बॉट मिलने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। सो इसीलिए जस्ट सर्वर चेंज कर दीजिएगा। और ये राउंड में भी मैंने सर्वर चेंज किया था, आई गेस मैं यूरोप या फिर नॉर्थ अमेरिका में खेल रहा था। सो इसीलिए मेरा पिंग भी बहुत हाई है और लास्ट में भी मैं इसी रीजन के लिए मर गया। सर्वर चेंज कीजिएगा क्योंकि मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, अगर आपको बॉट्स चाहिए तो सबसे पहली तो बात है वो है रैंकिंग। सो अगर आप प्लेटिनम के ऊपर हो तो आपको बॉट्स बहुत ही रेयरली मिलेंगे क्योंकि प्लेटिनम में अगर आप पहुंच जाते हो तो सो गेम डिसाइड करता है कि आपके पास इनफ स्किल्स है मारने के लिए। सो इसीलिए आपको ज्यादा बॉट्स प्रोवाइड नहीं करता है। बट जब आपका रैंकिंग प्लेटिनम के नीचे होता है स्पेशली जब आप सिल्वर में होते हो या फिर ब्रॉन्ज लीग में होते हो सो तभी गेम आपको बहुत सारे बॉट्स देता है गाइस। आप चाहे यू नो स्पॉन आइलैंड पे उतरो या कहीं भी उतरो आपके सराउंडिंग में 3-4 बॉट्स जरूर आएंगे। सो इसीलिए मैं आपको एक टिप दूंगा कि सर्वर चेंज कीजिएगा अगर आप एशिया में खेलते हो
नॉर्मली तो सर्वर चेंज की जगह यूरोप में खेलिए या फिर नॉर्थ अमेरिका में, सो आपको ज़्यादा चांसेस मिलेंगे बॉट्स के, और डेफिनेटली ये गन जैसे कि मैंने कहा बॉट्स के क्रेट में ही मिलेगी। सो इतना ही था गाइस आज के इस वीडियो में, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो डेफिनेटली गाइस वीडियो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर वो भी क्यूरियस है कि ये गन आ तो गई है लेकिन ये गन कैसे ले सकते हैं, सो डेफिनेटली ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। सो या इतना ही था आज के इस वीडियो में, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.